फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में दो हो गया, पहला ओवरी और दूसरा फैलोपियन ट्यूब। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, तीसरा यानी यूट्रस, या इसे यूटरस भी कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी जो डायग्राम दिख रही हैं ये यूट्रस की ही है। सो यूट्रस और एम्ब्रियो सैक, यूट्रस और एम्ब्रियो सैक, ये वही जगह है जहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो वो जगह जहाँ बच्चे की डेवलपमेंट होगी उसे कहते हैं यूट्रस और एम्ब्रियो सैक। ह्यूमन बीइंग में यूट्रस का वॉल्यूम है 8 cm × 5 cm × 3 cm, यानी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस ये 8, 5 और 3। अब यूट्रस सिर्फ 8 cm का है। मेरे पास यहाँ पे स्केल है, यानी सिर्फ इतना, यू कैन इमेजिन, सिर्फ इतना सा यूट्रस होता है। अब कोई भी ये सोचेगा कि इतने छोटे से यूट्रस में, 8 cm के यूट्रस में कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चे की डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो 30 cm से लेकर 45 cm उसकी लेंथ होती है। तो आंसर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड यूट्रस एनलार्जेस इन साइज अप टू 10 times। जिस प्रकार बलून में हवा भरने पर बलून बड़ा होता है, वैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड में यूट्रस भी 10 times साइज में एनलार्ज होता है, 10 गुना साइज में बढ़ता है। यूट्रस 3 भागों में डिवाइडेड है। इसे कहते हैं फंडस, बीच वाला भाग बॉडी और नीचे वाला भाग सर्विक्स। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस का वॉल्यूम 8 cm × 5 cm × 3 cm और प्रेगनेंसी पीरियड में ये 10 times एनलार्ज होगा। यूट्रस में 3 layers हैं। ये सबसे बाहर की लेयर है, इसे कहते हैं यहाँ पेरीमेट्रियम। ये दूसरे नंबर की लेयर है, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की ये तीसरे नंबर की लेयर है, महत्वपूर्ण लेयर है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपको याद रखना है क्योंकि फ्यूचर में भी इसका काम आएगा। सो यूट्रस इज हैविंग 3 layers, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम न्यूट्रिटिव लेयर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो भी नरिशमेंट चाहिए वो इनर मोस्ट लेयर देगी। इनर मोस्ट लेयर है हमारे लिए एंडोमेट्रियम। चलिए वापस आते हैं। यूट्रस, यूट्रस इज अ मस्क्यूलर बैग, इट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज अ सैक्यूलर स्ट्रक्चर इन विच देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो जगह एम्ब्रियो सैक, या उसे ही हम लोग यूट्रस कहते हैं। इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन पेट वाले भाग में सिचुएटेड है। यूट्रस 3 भाग में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। यूट्रस का वॉल्यूम 8 cm × 5 cm × 3 cm और प्रेगनेंसी पीरियड में यूट्रस 10 times एनलार्ज होता है। यूट्रस में टोटल 3 layers होती हैं, सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियल लेयर ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। सो एंडोमेट्रियम इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम ये एंडोमेट्रियम का है। अब आ रहा है हमारे लिए यहाँ पे लास्ट पार्ट, वजाइना।
वजाइना इज अ ट्यूबुलर पैसेज. अब वर्ड आ गया ट्यूबुलर, और आप तो जानते हैं ट्यूब कैसे होती हैं, हॉलो. अब ट्यूब हॉलो है, मतलब डेफिनेटली वजाइना भी क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर है. सो वजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच ओपन्स टू आउटसाइड, कहा गया विच ओपन्स टू आउटसाइड, जो शरीर के बाहर ओपन होगा बाय मीन्स ऑफ अपर्चर, कॉल्ड एज वजाइनल ऑरिफिस. वजाइनल ऑरिफिस, वापस एक बार देखते हैं इस फिगर में, यह है वजाइना. वजाइना इज अ ट्यूबुलर पैसेज एंड इट ओपन्स टू आउटसाइड, ओपन्स टू आउटसाइड शरीर के बाहर बाय मीन्स ऑफ वजाइनल ऑरिफिस. अब किसी ने कहा कि सर ये शरीर के बाहर ओपन होता है तो क्या ये आंखों से दिखाई देगा? ऑफ कोर्स वजाइना आंखों से दिखाई नहीं देगा, पर वजाइना का जो अपर्चर है, वजाइनल ऑरिफिस है, ये आंखों से दिखाई देगा क्योंकि ये शरीर के बाहर ओपन होता है. सो इट इज अ ट्यूबुलर पैसेज विच ओपन्स टू आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ वजाइनल ऑरिफिस. वजाइना की जो इंटरनल वॉल होती है ये फोल्डेड होती है, जैसे कि आपको यहां पे दिख रही है. इन फोल्डिंग्स को कहते हैं वजाइनल रुग, वजाइनल रुग. वजाइना की इंटरनल वॉल फोल्डेड होती है, इन फोल्डिंग्स को वजाइनल रुग कहते हैं. वजाइना 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ का होता है एवरेजली. वजाइना की लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर एवरेजली, पर वजाइना का लेंथ डिपेंड होता है फीमेल की हाइट पे. अगर हाइट ज़्यादा तो वजाइना का लेंथ भी ज़्यादा, हाइट कम तो वजाइना की लेंथ भी कम होती है. अब वजाइना शरीर के बाहर ओपन हो रहा है, ओके. तो अब इसके चार फंक्शन है. पहला, जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो मेल पीनिस की एंट्री वजाइना में ही होगी, तो मेल पेनिस वजाइनल ऑरिफिस से वजाइना में एंट्री करेगा. यानी पहला फंक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय पेनिस को रिसीव करना, काम किसका है? वजाइना. नंबर दो, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो मेल फीमेल के बॉडी में स्पर्म रिलीज करेगा. जो भी स्पर्म रिलीज हो गए वो स्पर्म भी कहाँ पे रिलीज हो गए? वजाइना. तो वजाइना स्पर्म को रिसीव करेगा, वजाइना पेनिस को रिसीव करेगा. फीमेल में जब पीरियड्स आएंगे, ब्लड फ्लो होगा पीरियड्स में, तो जो भी ब्लड निकलेगा बाहर वो ब्लड भी बाहर निकलेगा थ्रू वजाइना. यानी फीमेल में पीरियोडिक डिस्चार्ज के समय जो ब्लड रिलीज होता है वो भी वजाइना से रिलीज होगा. और आखिरी पार्चुरेशन, जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा भी बाहर निकलेगा थ्रू द अपर्चर कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस. तो जो बच्चा बाहर निकलता है फीमेल के शरीर से, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चा भी बाहर निकलेगा थ्रू वजाइनल ऑरिफिस. अब ये सोच पड़ती हैं कि कैसे पॉसिबल है कि इतने छोटे वजाइनल ऑरिफिस से बच्चा बाहर निकले. तो एग्जाम्पल है रबर बैंड, एक छोटा सा रबर बैंड होता है पर उसे खींचा तो बड़ा हो जाता है. वैसे ही जिस समय बर्थ होने वाली होती है, पार्चुरेशन होने वाला होता है, चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है, उस समय ये इलास्टिक की तरह वजाइना के मसल्स लूज होते हैं और उसका अपर्चर जो इतना छोटा होता है तो क्या होता है? बड़ा, और इसमें से बच्चा बाहर निकलता है. तो वजाइना के चार फंक्शन, रिसीविंग ऑफ पीनीज ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, रिसीविंग ऑफ स्पर्म या सीमेन, थर्ड रिलीज ऑफ ब्लड ड्यूरिंग पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, और चौथा रिलीज ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन. तो फीमेल में जो आखिरी चौथे नंबर का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है वो है वजाइना. वजाइना ट्यूबुलर पैसेज है. वजाइना शरीर के बाहर ओपन होता है बाय द अपर्चर कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस. वजाइना की लेंथ 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर की होती है, पर वजाइना की लेंथ फीमेल के हाइट पे भी डिपेंड होती है. इंटरनली वजाइना में ऐसे फोल्डिंग होते हैं या फोल्डेड वॉल होती है, उसे वजाइनल रुग कहते हैं. वजाइना के चार फंक्शन, रिसीविंग ऑफ पेनिस, रिसीविंग ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिलीज ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी और पार्चुरेशन. तो इस प्रकार ये था हमारे लिए इंटरनल जेनिटल ऑर्गन इन फीमेल. अब बचा है सिर्फ एक्सटर्नल.
नाउ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को वल्वा कहते हैं। वल्वा में दो फोल्ड होते हैं स्किन के, ये बाहर वाली फोल्ड है जो ब्रॉड होती है, ब्रॉड वाली फोल्ड को लेबिया मेजोरा कहते हैं, और ये इनर फोल्ड होती है, ये थिन फोल्ड होती है, इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। दो स्किन की फोल्ड, बाहर वाली लेबिया मेजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा। यहाँ ऊपर की तरफ ढेर सारा वल्वा के ऊपर फैट डिपॉजिट होता है, इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। लेबिया माइनोरा में सेंट्रल एरिया में जो स्पेस होता है, इस पूरे स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल में सबसे नीचे यहाँ अपर्चर है जिसे वजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। आपको पता है ना, वजाइना ओपन्स टू आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ अपर्चर, वजाइनल ऑरिफिस। तो यही है वजाइनल ऑरिफिस, जो पीनिस को रिसीव करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा, यहीं से फीमेल में ब्लड फ्लो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और यहीं से चाइल्ड बर्थ होगा। ये अपर्चर है, इसे कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, जो यूरिन रिलीज करेगा। यहाँ छोटा सा हुड होता है, स्मॉल आउटग्रोथ होता है, इसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस फीमेल को सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए मदद करेगा। अब यहाँ नीचे ये छोटा अपर्चर, ये एनस है। एनस और वजाइना, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2-2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। तो बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड वल्वा। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं अभी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर ये दिखाई देती हैं। प्यूबर्टी आप जानते हो, वो एज जहाँ पर मेल या फीमेल सेक्सुअली मैच्योर्ड होते हैं। द एज एट विच मेल एंड फीमेल गेट सेक्सुअली मैच्योर्ड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो फीमेल में पीरियोडिक डिस्चार्ज या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलिए देखते हैं। ध्यान दें, अभी डेफिनेशन आ रही है। साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड, साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जैसे ही वर्ड आया साइक्लिक फ्लो, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक ऐसी पर्टिकुलर जो है प्रोसेस जो रेगुलर इंटरवल पर होती है, यानी कुछ खास टाइम के बाद फिर से होगी, यानी साइकिल हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से। तो ऐसा प्रोसेस जो रेगुलर इंटरवल पर होता रहता है, यानी बार बार होता रहता है, इसलिए वर्ड आया साइक्लिक। साइक्लिक फ्लो, फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, ब्लड। साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड, तो फीमेल के शरीर से ब्लड का फ्लो होगा एक रेगुलर इंटरवल पे, साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अलोंग विथ, किसके साथ, अलोंग विथ सेलुलर डेब्रीज, ब्लड कैपिलरीज एंड डेड एग। डेफिनेटली साइक्लिक फ्लो है, फीमेल के शरीर से रेगुलर इंटरवल पर ब्लड का फ्लो होगा। लेकिन सिर्फ ब्लड नहीं निकलेगा, तो ब्लड के साथ क्या निकलेगा, सेलुलर डेब्रीज यानी मरे हुए सेल्स का कचरा, ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिन्हें ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, एंड डेड एग और एक मरा हुआ एग। साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड अलोंग विथ सेलुलर डेब्रीज, ब्लड कैपिलरीज एंड डेड एग, एक मरा हुआ एग।
ठीक है, किसके द्वारा? बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, उस लड़की द्वारा, उस फीमेल द्वारा जो नॉन प्रेग्नेंट है, बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, कहाँ से? थ्रू वजाइना। अब जो भी ब्लड फ्लो होगा फीमेल में, ये वजाइना से होगा, यानी फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग होगा, फीमेल के बॉडी से ब्लड फ्लो होगा, कहाँ से निकलेगा ब्लड? थ्रू वजाइना। ये 28 डेज की एक साइकिल होती है, इसलिए आफ्टर एवरी 28 डेज ये साइकिल चलती रहती है। 28 दिन हो गए, पीरियड्स आए, फिर 28 डेज, फिर पीरियड्स आए, फिर 28 डेज, फिर पीरियड्स आए, इस प्रकार ये एक साइक्लिक फ्लो है। किसका? साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड। किसके साथ? अलोंग विथ सेलुलर डेब्रिज, ब्लड कैपिलरीज एंड डेड एग। किसके द्वारा? बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। कहां से? थ्रू वजाइना, इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पूरा डेफिनेशन एक स्ट्रोक में सुनिए। साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड अलोंग विथ सेलुलर डेब्रिज, ब्लड कैपिलरीज एंड डेड एग बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल थ्रू वजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जिस एज पे शुरू होता है उसे मेनार्च कहते हैं, और जिस एज पे बंद होगा उसे मेनोपॉज कहते हैं। फीमेल में मेनार्च है 12 to 24 ईयर्स, और मेनोपॉज है 47 to 50 ईयर। यानी जब एक लड़की 12 से लेके 14 साल की होती है भारत में, तो 12 से लेके 14 में उसमें पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जब एक औरत 47 से लेके 50 के एज में आ जाएगी तो उसमें पीरियड्स बंद हो जाएंगे। अब ये है नॉर्मल। अगर किसी ने कहा कि क्या पीरियड्स कम एज में भी आ सकते हैं 10 या 8, तो आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। एबनॉर्मल केसेस में, हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में ऐसा हो सकता है। भारत में रिकॉर्डेड 5 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स आए हैं, और अमेरिका में तो 3 साल के लड़की में भी पीरियड्स आए हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज की साइकिल होती है, 28 दिन के बाद फीमेल में रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती है। पर लोगों को 28 बोलना थोड़ा जान पे आता है, इसलिए वो कैजुअली कहते हैं 1 मंथ, पर रियल में ये 28 है। 26 से लेके 30 ये नॉर्मल माना जाता है, यानी फीमेल में 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे दिन नॉर्मल माने जाते हैं। अगर किसी में पीरियड 27 के बाद आया, 26 के बाद आया, 29 के बाद आया, तो भी नॉर्मल ही माना जाएगा। पर अगर किसी फीमेल में 15 दिन में पीरियड आ गए, किसी फीमेल में 40 डेज में पीरियड आया, या किसी फीमेल में 60 डेज में पीरियड आया, और ऐसा 3 बार से ज़्यादा अगर होता है तो फीमेल एबनॉर्मल है, फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल को डॉक्टर से चेक करना आवश्यक है। तो जिस एज में ये स्टार्ट हुआ वो मेनार्च, जब बंद हो जाएगा मेनोपॉज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की साइकिल है, ये 4 पार्ट में, 4 फेज में डिवाइडेड है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड को कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। अभी बोर्ड में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बताऊंगा, डिटेल में क्लासरूम में बताऊंगा। फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट फेज है हमारे लिए यहां पे सिक्रेटरी फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज, ऐसे 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे लिए ये 1 से लेके 28, ये हमारे लिए पूरा फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है। 1 से लेके 5, पहले 5 दिन फीमेल में, फर्स्ट 5 डेज फीमेल में जो होते हैं उसे कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज।
इन 5 दिनों में फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग होगा और ब्लड बाहर निकलेगा। सो पहले 5 दिन जो होते हैं ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज है, इसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। यहाँ पर फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग के कारण फीमेल से वजाइना से ब्लड फ्लो होगा। नाउ द क्वेश्चन इज फीमेल में ब्लीडिंग क्यों हो गया? तो आंसर, ये जो एंडोमेट्रियम होता है जहाँ पे दिख रहा है आपको स्मूथ एंडोमेट्रियम, ये डैमेज हो जाता है और एंडोमेट्रियम के डैमेज के कारण यहाँ पे फीमेल में ब्लीडिंग हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर का एंडोमेट्रियम देखो नॉर्मल है, यहाँ एंडोमेट्रियम डैमेज हो गया और एंडोमेट्रियम के डैमेज के कारण फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ये सारा ब्लड यहाँ पे वजाइना से फीमेल के बाहर निकलेगा। इन 5 दिनों में फीमेल को वीकनेस फील होगा, फीमेल को टायर्डनेस फील होगा, कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन वगैरह, ये सारी सिम्टम्स इस 5 दिन में होते हैं। और फीमेल को चाहिए कि इन 5 दिनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में रखे, यानी अपनी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखे। तो ये है हमारे लिए पहला फेज़, फर्स्ट फेज़ क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज़। पहले इतना रिकॉल करते हैं, साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड अलोंग विथ सेलुलर डेब्रीज, साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड किसके साथ, अलोंग विथ सेलुलर डेब्रीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज एंड डेड एग, किसके द्वारा, बाय अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, कहाँ से, थ्रू वजाइना, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ उसे मेनार्च, जहाँ बंद हो गया उसे मेनोपॉज। 12-14 मेनार्च, 47-50 मेनोपॉज, कितने दिनों का साइकिल, 28, कितने फेजेस में डिवाइडेड है, 4। पहली फेज 5 दिन की, क्या होता है इस फेज में, ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाता है, एंडोमेट्रियम के डैमेज के कारण फीमेल में ब्लीडिंग। कौन कौन से सिम्टम्स है वो मैंने बताया। अब आते हैं दूसरे पे, हमारा जो सेकेंड फेज है, इस सेकेंड फेज में यहाँ पे एंडोमेट्रियम रिपेयर होगा, इसे फॉलिक्यूलर फेज या इसे रिपरेटिव फेज या इसे प्रोलीफरेटिव फेज कहते हैं। तीन नाम हैं, तीनों भी एक ही के नाम हैं, फॉलिक्यूलर फेज, रिपरेटिव फेज या प्रोलीफरेटिव फेज। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, उसको ध्यान में लेते हैं। तो मैंने कहा कि 6th डे से 14th डे, छठे दिन से लेकर 14th डे तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है उसे फॉलिक्यूलर, रिपरेटिव या प्रोलीफरेटिव फेज कहते हैं। डिटेल मैंने कहा क्लासरूम में बताया गया। इस फेज में एंडोमेट्रियम रिपेयर होता है। इन दिस फेज एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस गेट्स रिपेयर्ड। बहुत डिटेल है बेटा, ये क्लासरूम में आएगा। इन दिस फेज एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस गेट्स रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ पे हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो है FSH एंड एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन FSH, F फॉलिकल, S स्टिम्युलेटिंग, H हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन और एस्ट्रोजन की मदद से यहाँ पे एंडोमेट्रियम रिपेयर होता है। तो एंडोमेट्रियम के रिपेयरिंग के लिए कौन मदद करेगा, दो हार्मोन मदद करेंगे। और कब से रिपेयरिंग होगा, 6th डे से लेकर 14th डे पे। अब नेक्स्ट, फॉलिकुलर फेज होने के बाद यहाँ पे आता है
ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेटरी फेज होगा एट द एंड ऑफ 14th डे। इमेजिन करो जिस दिन पीरियड आया, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ हो पहला दिन, वहां से 14वें दिन की रात में, 14वें दिन की रात में 12 से 2 के बीच में, यानी 14वां दिन खत्म हो गया, 12 से 2 के बीच में फीमेल में एग रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एग बाय ओवरी, ओवरी से एग रिलीज होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग, क्या बोलोगे उसे, ओव्यूलेशन। और जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है उसे कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो 14वें दिन के एंड पर रात में 12 से 2 के बीच में, जब आम तौर पे सभी लड़कियाँ औरतें सोई होती है, उनके ओवरी से एग निकलता है, और जब एग निकला, रिलीज ऑफ एग, तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। अब जो भी एग रिलीज होता है उसे आप जानते हो, फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी कैच करता है और उसे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में लाके डाल देगा, उसे फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी कैच करता है और एम्पुला में लाके डाल देगा।